नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, त्यौहार निपट चुके हैं और अब है अपना रेगुलर रूटीन। तारीख है 28 अक्टूबर और सुबह का टाइम हो रखा है। चाय पानी वगैरह पीने के बाद, थोड़ा सा इधर उधर घूमने के बाद, थोड़े से कुछ काम कर लेने के बाद वापस आ गए हैं अपने रूटीन पे। और मैं कर रही हूँ सुबह की साफ़ सफ़ाई, और आम तौर के जैसे रुचि किचन में है और मैं अपनी साफ़ सफ़ाई में लगी हुई हूँ। मैं आपको मेहंदी दिखा रही थी अपनी, जो रात के टाइम लगाई थी, तो काफ़ी अच्छा कलर आ गया। तो कुछ लोग कहते हैं कि जो मेहंदी का कलर ज़्यादा आता है तो वो हस्बैंड से रिलेटेड होता है, कुछ सास से रिलेटेड होता है। तो हमें तो पता नहीं है जी जिसका ज़्यादा लगता है, हमें तो दोनों ही बराबर ही करते हैं, ज़्यादा ही करते हैं, वो उससे ज़्यादा, वो उससे ज़्यादा। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि जो ये कहते हैं ना कि मेहंदी का रंग चढ़ता है तो सास ज़्यादा लाड़ करती है या पति ज़्यादा लाड़ करता है, तो इसका कौन सा सही है, सास वाला सही है या हस्बैंड वाला सही है? तो जी देखें, यहाँ पे मेरी जो सास हैं वो फ्रिज में से कुछ निकाल रही हैं, वो भी अपने काम पे लग रही है। जो उनसे बन पाता है वो करती हैं वो, और ज़्यादा तो उनसे हो नहीं पाता क्योंकि उनकी कमर में जो है दर्द ज़्यादा रहता है, लेकिन फिर भी वो जितना होता है चलना फिरना उनका कोशिश करती हैं कि करते रहें। और ये सही भी है कि जैसे भाई करते रहते हैं तो शरीर चलता रहता है, लेकिन अगर रुक जाते हैं या काम अवॉइड कर देते हैं या नहीं करते तो वैसा ही शरीर ऐसा होता है कि जैसे जाम होने लगता है। तो जी देखिए, यहाँ पे भाई बहन का प्यार चल रहा है और कृष्णा कुछ लेके आया है बाहर से, एक खुद खा रहा, एक आरू को खिला रहा। तो कृष्णा अपनी चीज़ें बहुत कम किसी के साथ शेयर करता है, लेकिन आरू के साथ वो घुल मिल जाता है, उसे ऐसा लगता है कि वो छोटी है उससे, तो वो उसकी केयर करता है। तो देखिए जी, यहाँ पे मैंने चादरें वगैरह सारी झाड़ पूछ कर दी है और रुचि लगाने लगी है झाड़ू और मैं लगाने लगी हूँ पोछा। तो रुचि ने पहले किचन का कर लिया था, उसके बाद जो है मैं फिर पोछा लगा लेती हूँ, मतलब मैं साफ़ सफ़ाई कर देती हूँ जब तक रुचि कमरों में किचन में होती है, और उसके बाद फिर वो झाड़ू लगा देती है, मैं पोछा। तो दोनों ही मिलके करते हैं तभी होता है, नहीं तो इतने बड़े घर में काम करना आसान नहीं होता एक बंदे के लिए। तो देखिए बस यहाँ पे, और क्या बोलते हैं, मम्मी शायद पालक लेने गई हुई हैं क्योंकि हमें अब एक दो दिन के अंदर हमें वापस जाना है। तो मम्मी जो है वो पालक वगैरह लेने गई हैं क्योंकि वहाँ पे तो देखिए चूल्हे का जो साग होता है, मम्मी के हाथ का जो साग होता है, वहाँ पे वो मज़ा ही नहीं आता क्योंकि मुझे जो है वो चूल्हे पे साग नहीं बनाना आता। और जो हंडी में साग बनाया जाता है, मुझे वो जो घमना होता है ना जिससे कि साग को घोटते हैं, वो मुझे भी करना नहीं आता। तो ये एक ऐसी चीज़ है जी जो मुझे नहीं आती, और कर भी लेती हूँ अगर सोचूँ तो कर भी लूँगी, लेकिन डर लगता है कि कहीं उस साग को घुमाते हुए वो हंडी ना फूट जाए, तो इस वजह से मैं करती नहीं हूँ, डर के मारे मैं ज़्यादा नहीं करती। तो ये साग वगैरह कढ़ी वगैरह ये तो चूल्हे की ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो इसीलिए जो मम्मी है वो वहाँ, देखिए आप पीछे देख रहे होंगे, तो मम्मी जो है वहाँ पर साग को यानी कि पालक चने वगैरह को साफ़ कर रही हैं और हम अपने काम में लग रहे हैं। तो रुचि ने झाड़ू लगा दी है, अब जो है रुचि जो वॉश बेसिन है उसको साफ़ करेगी, और फिर उसके बाद जो है बच्चे तो नहला दिए थे, बच्चे पहले नहला धुला के उसके बाद में साफ़ सफाई में लगी थी क्योंकि फिर बच्चों को एक जगह बिठाना भी बहुत मुश्किल काम है, बच्चे बैठते नहीं, तो उन्हें नहला धुला दें तो वो बैठ जाते हैं टिक के, उसके बाद भी उन्हें बहुत कहना सुनना पड़ता है तब जाके वो कहीं टिकते हैं। तो जी देखिए बस यहाँ पे मैं पोछा लगा लूँगी और रुचि उधर भी कुछ थोड़ा बहुत कर रही है, अब वो भी आरू को नहलाएगी धुलाएगी, और कृष्णा भी रह रहा है नहाए धोए बिना। और मैं आपको बताऊं, आज हमें जाना है कहीं पे, और मैं कहीं पे क्या, मैं आपको बताऊं यहाँ पे जो हमारा गांव पड़ता है, मेरा जो ससुराल है, आप लोग पूछते हैं कि कौन सा गांव है, तो मेरा जो ससुराल है उसका गांव वो है लुसाना, जो गांव का नाम है वो लुसाना है, और यहाँ का कस्बा पड़ता है बुढ़ाना, बुढ़ाना के पास ये गांव है, और मुजफ्फरनगर जो है हमारा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, तो मेरठ से लगता हुआ मान लीजिए या मुजफ्फरनगर से लगता हुआ मान लीजिए, तो ये एक गांव है इधर की साइड। तो ये मेरी ससुराल है और यहाँ मेरे जो लुसाना गांव है उसी के ही पास उनका जो कस्बा है वो है बुढ़ाना। तो मुझे जाना है बुढ़ाना, बुढ़ाना ऐसे ही है मतलब 2-2.5 किलोमीटर या 3 किलोमीटर के लगभग होगा, और मुझे जाना है अपनी मौसी की बेटी के यहाँ पे। और मैं आपको बताऊँ, शादी को मेरी भी इतने साल हो गए हैं और दीदी की शादी को भी, हमें ये तो पता था दोनों को कि हाँ भाई वो वहाँ पे है, वो वहाँ पे है, लेकिन ये नहीं पता था एग्जैक्टली कि कहाँ पे है। और कई सही में बताऊँ तो आजकल कॉन्टैक्ट ऐसे ही हो गए हैं, भाई हो गया तो हो गया, नहीं तो नहीं। और हमारा भी ऐसा था कि भाग दौड़ करते हुए आते थे तो इतना नहीं होता था, पीहू के डैडी कभी किसी के साथ इतना नहीं हो पाता था, लेकिन अब जब हमें पता लगा है, तो हम मैं 2-3 बार आई हूँ जब से मुझे दीदी के बारे में पता लगा है कि वो यहाँ आए,
तो मैं उनसे मिलने गई हूँ 2-3 बार, और दीदी भी आई हैं। तो आज सुबह ही उनका अचानक से फ़ोन आ गया, जब उन्होंने देखा कि मैं आई हुई हूँ, तो उन्होंने अचानक से फ़ोन करके इनवाइट किया कि आना है। तो मम्मी भी कहने लगी कि चले जाना। तो बस जी, अब मैं तैयार होके नहा धो के हो जाऊँगी। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो जी, टाइम हो चुका है 12 बजने में है 10 मिनट, और यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, आज मम्मी के हाथ का हमने खाना है साग। तो ये देखिए, लगा दिया मैं तड़का मम्मी ने साग में, थोड़ा सा ही बनाया जी, जान के बनाया एक मुट्ठी, जब तुम वहाँ जाना लग रही हो। अरे तुम तेरा इन जोग का तो ये बना दिया मम्मी ने साग आज, फटाफट हमने जाना कहीं मिलने जाना किसी से ना, तो मम्मी ने फटाफट से बना दिया जल्दी जल्दी। अरे आटा भी मक्की का फटाफट से पीसा साथ के साथ। चल, खुशबू तो बहुत अच्छी है, देसी घी में लगाया। देसी घी में लगाया तो एक बार फिर से आप सभी को राधे राधे जी। और हम हो गए हैं तैयार, क्योंकि रोहिणी और पीहू और कृष्णा जा रहे हैं अपनी मौसी से मिलने बुढ़ाना। तो जाने से पहले यहाँ पे आशीर्वाद ले रही है इंदु माता श्री से, और फिर चलेंगे। और ओए ओए बच गया भाई। और यहाँ पे उनके लिए हमने ले ली है लस्सी का डब्बा, इसमें लस्सी है। मम्मी ने स्पेशल बोला भाई उनके लिए लस्सी लेके जाना, वो खुश हो जाते हैं सभी जब लस्सी आती है। मगर चलो अच्छी बात है। तो आज तैयार कर दी थी लस्सी भी जल्दी सी, और टाइम फिर भी काफी हो गया, 12:15 हो गए हैं, और खाना खुना खा के हम फिट होके तब चल रहे हैं। और उन्हें बोल दिया खाना ना बनाइयो भाई, देख साफ सी है बात। मैंने तीन रोटी खाई तुमने? ले ले, तो साग टेस्टी बन रहा था, बहुत ही अच्छा ना। ना वाके खाई मैंने तो खाई थी, लेकिन साग बहुत अच्छा बन रहा था, मजा आ गया खा के। मोटा मोटा गर्दा नहीं, बहुत अच्छा। और इतना घी रखा था, घी का मजा ही आ गया, घी का। ये बच्चे नहीं खाते घी बिल्कुल भी, बिना बिना घी के तो मैं खाती नहीं, मतलब घी के बिना भूल गई, क्या घी के बिना नहीं खाती, मतलब घी के बिना नहीं खाती घी, मतलब खाली घी नहीं खाते, खाली घी नहीं खाते हैं, किसी चीज में डाल कर खा लेते हैं ना। तो जी बस चलते हैं, चाय ज्यादा हो चाहे थोड़ा हो। और आज कृष्णा कन्हैया बड़ा खुश है और तैयार हो गया, तो ऐसे बैठा जाए जैसे कि आज रिश्ते वाले आ रहे हो, बता दिया मैं कभी पीछे से रिश्ता पक्का कर दो इसका, ठीक है। तो जी, हम लोग आगे हैं यहाँ पे, और ये है मेरी दीदी, काफी बड़ी है मुझसे। मैं आपको बताऊं, जब ये थी मैं बहुत छोटी थी, जैसी मेरी पीहू है, ये बड़ी है काफी। मेरी मौसी जो है मम्मी से बड़ी है, उनकी बेटी है ये, और काफी बड़ी है ये मुझसे भी। तो मतलब मैं बता रही हूँ, छोटी सी थी मैं, जैसी पीहू होगी, पीहू से थोड़ी बहुत बड़ी होंगी मैं, जब मैं इनसे मिली थी लास्ट टाइम अपने मामा के यहाँ पे, तो तब मैं इनको मिली थी। और उसके बाद अब जैसे 2-3 बार मैं मिली हूँ। तो अगर आप लोग आसपास के एरिया के हैं, जैसे कि बुढ़ाना हुआ या लुसाना हुआ या आसपास के किसी एरिया के हैं, तो आप जानते होंगे जो राहुल मेडिकोज है बुढ़ाना में, राहुल मेडिकल करके स्टोर भी है, मेडिकल स्टोर, तो वो मेरे जीजा जी हैं, और ये उन मतलब वो इनकी फैमिली है, या इनका फैमिली जो है मेडिकल स्टोर है। तो ये दीदी है मेरी, और ये अभी इन्होंने ना अपने मकान बनाए हैं सारे के सारे नए। तो और हमारे भी जैसा आप सभी जानते हैं कि मकान बनाने का या लेने का विचार है, तो यहाँ मैं दीदी से इनके मकान के बारे में पूछ रही हूँ कि दीदी ये कैसे हुआ या कैसे नहीं। और होता भी है कि भाई जब हमें कोई काम करना होता है और वही काम किसी और ने किया हुआ है, तो हम उनसे पूछते हैं कि भाई कैसे हुआ, क्या खर्चा आया है, किस तरीके से। तो देखिए, उसके बाद यहाँ पे हम लोग करने लगे हैं, चाय पानी पीने लगे हैं। और ये इधर वाली साइड जो बैठे हैं चेयर पे, ये जीजा जी हैं, जो इनको जानते पहचानते होंगे, उन्हें पता होगा कि ये कौन है, और अच्छा खासा इनका नाम है उधर। और ये जो रेड सूट में है, ये मेरी मौसी की लड़की हैं, और जो मेरे बराबर में उधर बैठी हैं वो दीदी की जेठानी हैं। हालांकि इनकी एक जेठानी और हैं, 3 हैं ये, लेकिन वो अभी यहाँ पे नहीं हैं। दीदी जो सबसे बड़े वाली हैं, और जो मेरी दीदी हैं वो सबसे छोटे वाली हैं 3 देवरानी जेठानियों में। तो जी, चाय नाश्ता करने के बाद यहाँ पे देखिए दीदी ने बनाना शुरू कर दिया है खाना, जबकि हम घर से खा के आए थे और मना
मना भी कर दिया था दीदी को फोन पे ही। मैंने कहा दीदी आएंगे जरूर, चाय पानी पियेंगे लेकिन खाना नहीं खाएंगे। लेकिन जीजा जी के स्पेशल दीदी को इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कि जब वो आएंगे तो खाना खा के जाएंगे, क्योंकि शायद हम जब पहले आए थे तो तब भी हम ऐसे ही चले गए थे, थोड़ी देर के लिए ही बैठना हुआ था। और मैं सही में बताऊं, जब हम आते हैं तो इतना टाइम ही नहीं मिल पाता कि हम अच्छी तरीके से बात कर ले। फोन पे भले ही बात हो जाती है जितनी भी, लेकिन मतलब वैसे नहीं हो पाती, क्योंकि दीदी अपने काम में लग जाती है और हमारा भी होता है कि भाई इतना टाइम नहीं होता, घर के भी काम देखने पड़ते हैं और भी बाकी सारी चीज़ें तो। लेकिन ये भी है कि इतना भी टाइम एक दूसरे के साथ मिल जाता है तो वो भी बहुत अच्छा है। और इस अब तो ये है कि हम गांव में आते हैं तो हमें लगता है कि नहीं, हम अपनी दीदी के पास जाएंगे या हमारी दीदी हमारे पास आएगी। लेकिन जब हम पहले आते थे हमें पता था कि भाई यहीं रहना है, यहाँ से हम ज़्यादा करेंगे रामपुर चले जाएंगे या सीधे पिंजौर चले जाएंगे, इसके अलावा कहीं नहीं। तो सच में अब जब भी मैं गाँव में जाती हूँ तो मुझे इंतजार रहता है कि जब भी मैं गाँव में जाऊँगी तो मैं दीदी के पास जाऊँगी और या फिर दीदी घर आएंगी, तो बहुत अच्छा लगता है। और आपने देखा होगा कि ये जो दीदी है इनकी शक्ल मेरी मम्मी से भी मिलती है और मेरी मौसी भी सेम इसी ही शक्ल की हैं। मेरी जो है मम्मी जो है, वो पांच बहनें हैं, दो भाई हैं, और जो मेरी मौसी हर है, मेरी मम्मी हर है, इन पांचों बहनों की शक्लें मतलब मिलती है आपस में ही, तो अचानक मतलब देख के कोई भी कह सकता है कि उनकी हैं ये। तो जी देखिए यहाँ पे दीदी ने पनीर बनाया है और काफ़ी अच्छा दीदी ने खाना बनाया है, उसके साथ वो बना रही है पूरी। तो मैं कहा मैं ही बैठे हुए क्या करूँगी, तो मैं कहा चलिए मैं भी थोड़ी सी हेल्प कर देती हूँ दीदी की। और ये भी होता है कि काम करते करते बहुत सारी बातें हो भी जाती है, तो मैं कहा चलिए जी लगते हैं यहाँ पे। तो दीदी ने पनीर की सब्जी बनाई थी ग्रेवी वाली, और उसके साथ में थी पूरियाँ और साथ में था बूंदी का रायता। तो यहाँ पे दीदी खाना लगा रही, मतलब कभी मैं लगा देती हूँ, मतलब जिसका नंबर आ रहा वही कर रहा, और जीजा जी बच्चे और पीहू के डैडी ये सब लोग खा रहे हैं। तो जी थोड़ी देर बैठने के बाद अब होगी है चलने की तैयारी, और चलने से पहले जो थोड़े बहुत होते हैं वो कर रहे हैं लेन देन सा। और ये जो दीदी है, जैसा कि मैंने बताया, इन्होंने अभी नए मकान बनाए हैं, तो यहाँ पे देखिए मुझे दिखा रही है कमरा, और ये कमरा मुझे इनका बहुत सुंदर लगा। नीचे की साइड थोड़ा करके ये था, और पीहू को रूही को भी ये कमरा बहुत पसंद आया, तो वो कह रही थी कि मम्मा ये रूम देखो, और जब हमारा घर बनेगा तो इस तरीके का एक रूम बनवाना। तो दीदी यहाँ पे दिखा रही है मुझे रूम्स, और काफ़ी सुंदर दीदी का मकान बनाया है। हालांकि अभी इसमें बहुत काम पेंडिंग है, लेकिन फिर भी मकान जो है धीरे धीरे ही देखे सारी चीज़ें सेट होती हैं। तो जी चलिए ले ली है दीदी से विदा और पहुंच गए हैं घर, और देखिए सास आ रही हैं उधर घेर से, तो मैं उनका वेट कर रही हूँ। क्योंकि जब भी मैं कहीं जाती हूँ या आती हूँ मैं पैर ही दबाती हूँ, पता नहीं आदत है पता नहीं क्या, पर होता ही है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी आई हूँ या मैं अभी जा रही हूँ। तो मैं जब भी आती जाती हूँ तो मैं अपनी सास के पैर जरूर दबाती हूँ, और आज मैं गई हूँ घेर में, उस दिन से मैं नहीं गई हूँ। तो मैं कहा चलो आज भाई मैं गाय माता के दर्शन कर आती हूँ और दूध देखती हूँ अगर दे दे तो मुझे, क्योंकि जो गाय है हमारी वो रुचि के को ही ज़्यादातर दूध देती है, रुचि ही निकालती है, क्योंकि मम्मी से अभी इतना काम नहीं होता तो रुचि ही ज़्यादातर दूध निकालती है। तो यहाँ पे मैं कहा चलिए देखती हूँ मैं बैठ के। तो अनुज भैया जो है वो चक्कर लगा रहे हैं, और इसका जो बच्चा है उसको दूध अलग से पिलाते हैं, क्योंकि हमारी गाय को जो है वो लंपी बीमारी हो गई थी, तो उसकी वजह से जो इसका बच्चा है उसको दूध पिलाना बंद कर दिया था, अलग से दूध निकाल के फिर उसको पिलाते हैं। तो जी देखिए मैं बैठ भी गई थी दूध निकालने, लेकिन इस गाय ने लात मार दी, उठ के भाग गई, यानी कि इसने मेरा सब मुँह मोड़ लिया, मुझे दूध नहीं दिया, और बड़ा दुख सा हुआ। मैं कहा जिस चीज़ का मन होता है करने का वो ना हो तो दुख भी होता है। तो मैं कहा जी चलिए कोई नहीं, कब तक मुंह मोड़ेगी, कभी ना कभी तो इसे भी बिचारी को लगेगा ही कि हाँ भाई इंदु आई थी, कर रही थी, थोड़ा बहुत कुछ तो कर ही रही थी। तो जी देखिए यहाँ पे मैं दूध निकालने भी लगी, लेकिन जो गाय है वो हिलती ही रही। तो फिर मैं कहा भाई रुचि तू निकाल ले, नहीं तो गाय का होता है कि वो लात मार के दूध गिरा देती है। स्माइल करते हुए अनुज भैया, और ये गया चोकर गाय के आगे, और गाय घास खाते हुए, और ये देखे 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 घास खाते हुए गाय ने जो है वो दूध देना शुरू कर दिया है, और रुचि दीदी दूध निकालते हुए, और चोकर खत्म हो गया अनुज भैया चोकर लेने जाते हुए, ये देखे देखे देखे। तो अब रुचि देवी क्या करेंगी, जब तक चोकर नहीं आएगा क्या करे, ये गाय लात मार भी सकती है नहीं भी मार सकती। और ये देखे इधर से अनुज भैया चोकर लेके आते हुए साथ के साथ ही, गाय पिच पे डटी रही जब तक बॉलर प्लेयरिंग होंगा रहे, तो गाय पिच पे तक डटी रही। उनकी टीथ कहाँ, ई ई
अच्छा आरु की नोज कहाँ? यारी कहाँ नोज आरु की? वहां से तेरे ऊपर मेरी तरफ बता रही है क्यारी। यह है आरु की नोज। कहाँ आरु की नोज? यो तो पैर है तेरा, ये है नोज, ये आरु की है नोज। कहाँ नोज आरु की? आ पागल होगी क्या? आरु के टीत कहाँ? ई मेरी तरफ नहीं, तेरे टीत। ये ला